एक कलाकार अपनी अभिव्यक्ति, अपनी संवेदना अपनी कला के माध्यम से जाहिर करता है। ऐसे ही एक मूर्तिकार हैं जिन्होंने 2 दिन में CDS जनरल बिपिन रावत की मूर्ति बनाई। सेना के सर्वोच्च सेनापति के सम्मान में उनकी मूर्ति बनाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। एक कलाकार के लिए उसकी कला किसी साधना से कम नहीं होती। मूर्तिकार नरेश कुमावत उन्हीं साधकों में से एक हैं, जिनके रोम रोम में देश के प्रति आदर और सम्मान है। देश की आन बान और शान की हिफाजत करने वाले वीरों के लिए श्रद्धा है, जो अपनी श्रद्धांजलि को एक आकार दे चुके हैं। ये मूर्ति देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की है, जिसे मूर्तिकार नरेश कुमावत ने महज 2 दिन में तैयार किया। बिपिन रावत जी हमारे जो CDS हैं रहे हैं, उनके प्रति एक श्रद्धांजलि स्वरूप मैं एक स्कल्पचर एक निर्माण करूं, जो कि उनको हमेशा हमारे बीच जीवित रखे, और मैं हमेशा इस काम को उनको समर्पित करके और ये काम मैं लगा सकूं कहीं। नरेश एक कमर्शियल मूर्तिकार हैं, जो भगवान की मूर्तियां बनाकर अपना गुजारा करती हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने जनरल बिपिन रावत के साथ हुई हादसे की खबर सुनी, खुद को रोक न पाए। श्रद्धांजलि के लिए उठे हाथों ने जज्बातों की गीली मिट्टी को ऐसा रूप दिया कि मूर्ति जीवंत हो उठी। कहते हैं योद्धा कभी जाते नहीं है, योद्धा हमारे बीच ही रहते हैं। मेरा ये प्रयास है कि CDS जनरल बिपिन रावत हमेशा हमारे बीच रहे। ये श्रद्धांजलि स्वरूप मैंने उनका स्कल्पचर तैयार किया है। आशा करता हूँ ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा, और यही मेरा इंस्पिरेशन है। पत्थर की मूर्ति में ईश्वर वास करते हैं। देश की सरहद पर मिटने वाला भी किसी ईश्वर से कम नहीं है। योद्धा मिटता नहीं, अमर हो जाता है। इसी भावना ने नरेश को प्रेरित किया कि अपनी कलाकारी से देश के वीर को श्रद्धांजलि अर्पित करें, जो हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। दिल्ली से संजय।